अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हमने किचन तैयार किया है तो मैंने कहा इसका रिव्यू करता हूँ, साथ इसकी पेमेंट भी आपको बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। दोस्तों को पसंद आएगा इंशाल्लाह किचन। अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे हमने लगाया है पट्टी वाला कब्ज़ा लगाया है 3D, और ये हैंडल लगे हुए हैं ब्रास के हैं, ठीक है। तो यार ये देख लें, फ्रेम लकड़ी का लगा हुआ है, ठीक है, कि अच्छे स्टील के लगे हुए हैं बिल्कुल, और ये ब्लैक स्क्रू के साथ बना हुआ है। तो अब ठीक है, इसको हमने इसकी फलवर को ख़त्म करने के लिए नीचे भी कैचर लगाया हुआ है, ठीक हो गया। और ये देखें, हमने इसको प्लास्टिक गोले के साथ बनाया है। ये ट्रैक्टर शीट लगी हुई है अलनूर की, ये देखें हाथ इसके खुदरा खुदरा हाथ लगे हैं, पकाया प्लास्टिक वाला लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमने पूरा इस तरह बनाया हुआ, पूरा इस तरह ये टायर व्हील लगे हुए हैं नीचे, पूरे व्हील लगे हुए हैं। ये किचन में यहाँ पर चूल्हा वगैरह रखते हैं, यहाँ पर आटा और इस तरह की मामलात जो होते हैं ना वो रखते हैं, ऊपर से उठाना करना। तो नीचे टायर लगाए हुए हैं ताकि जो है ना इनको आसानी हो बाहर निकालने में, तो क्योंकि लोड होता है और लोड जो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको व्हील लगाए हुए हमने ब्लैक कलर के, लॉक वाले व्हील है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दराज बने हुए हैं, ठीक है, चैनल लगाए हुए हैं जे एंड आई इमरान, ये चैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा ऊपर की बात करें तो ऊपर हमने हाइड्रोलिक कब्जे लगाए हैं, ठीक है, 3D हैं, 3D हाइड्रोलिक कब्जे हैं। साथ हमने इस छलपे रिमूवेबल लगाई हैं ताकि चला कभी बड़ी बड़ा सामान आए तो कर लेता बना, ऊपर नीचे कर लेता। ऊपर हमने बोतल के हिसाब से जो ऑयल की बोतल होती है उस हिसाब से हमने सारी सेटिंग की है। यहाँ पर ये खुद ही बांध होते हैं, ठीक है जी। गैप हमने बहुत ज़्यादा कम दिया, ये देख रहे हैं दो पलों के दरम्यान में गैप बिल्कुल कम है। नीचे तो प्लास्टिक वाले लगे, ऊपर हमने टेप लगवाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। और यही सारी कंडीशन है इसकी, गैप बिल्कुल कोई नहीं है, गैप बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है, देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने ये बर्तन वगैरह रखने के लिए ये बीच में एक लगाया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने शेल्फ दी हुई हैं, शेल्फ सारी हमने लगाई हैं प्लास्टिक एंगल के साथ लगाई हैं, कभी ज़रूरत पड़े उतारने की तो चलो बड़ी चीज़ अगर बोतल वगैरह बड़ा क्या कहते हैं जी थर्मोस और इस तरह की चीज़ें बड़ी ट्रे होती हैं उनको रखने के लिए चले, ये होता बंदा कभी उतार लेता है या ऊपर नीचे कर लेता है, चक्री वाला काम है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, तो यहाँ पर एक मशीन होती है जो जिस धुएँ को फिल्टर करती है, वो वहाँ पर लगेगी, वो भी नहीं लगेगी, वो इलेक्ट्रिशियन वाला लगाएगा। हमने ये किचन तैयार कर दिया जी, ठीक है। शीट को हम ज़रा करीब से दिखा देते हैं आपको, शीट आप देख लें, ये देख रहे हैं इस तरह थोड़ी खुदरी खुदरी सी है, बड़ी अच्छी शीट है जी, लसानी की शीट लगी हुई है, बॉक्स लमिनेशन में लगाए हुए हैं। तो अब इसका रिव्यू हमने दे दिया है, अब इसकी प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ कितनी प्राइस में ये बना है। तकरीबन ये किचन इस वक्त जो लगा हुआ है कमोबेश दो से ढाई लसानी के दरमियान में है, तो ये किचन आपका तकरीबन 40,000 रुपये का पाकिस्तानी तैयार हो जाता है, आराम से हो जाता है। अब वो आपकी डायमेंशन है कि किधर तक जाती है, दो लसानी का हिसाब लगाओ 35 से 40,000 का किचन आपका ये तैयार हो जाता है तकरीबन। अब सब वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो भी हमने बनाएंगे। इसी घर में अभी हमने अलमारियाँ भी बनाई हैं, इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।